माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को और सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट याचिका पेंडिंग है, हम हमारे यहाँ के महाधिवक्ता जी से राय लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी का निर्धारण करवाने का प्रयास करेंगे। नंबर दो, हम इस गोल्फ क्लब को दिल्ली में जिस प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक गोल्फ क्लब का संचालन किया जा रहा है, उसी तर्ज पर करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। और नंबर तीन, इसमें जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं, विधान के विरुद्ध जाकर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने और आपके प्रबंध समिति ने, मैनेजमेंट कमेटी ने जो भी गड़बड़ झाला किया है, आर्थिक अराजकता की है, आर्थिक अनियमितता की है, मैं इस सब की जांच SOG से करवाने की घोषणा करता हूं। श्री हो गया, इस पे और कोई नहीं बोलेगा। श्री जेठानंद व्यास, नहीं इस पे चर्चा नहीं होती। बात कह दिया जो इन्होंने मांगा। मंत्री जी ने इसके ऊपर ध्यान आकर्षित करवाया और आपने ध्यान दिया और SOG की जांच और ये जो आपने कहा दिल्ली की तर्ज पर और हम कुतुब गोल्फ कोर्स जो है उसकी तर्ज पर यदि हम इसको करेंगे, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो सारे नाम सामने आ जाएंगे और जिसने गड़बड़ी की है उसके खिलाफ हम प्रभावी कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। डोटासरा जी, आपका भी नाम आ रहा है क्या? अरे माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया व संचालन के नियम 121 के तहत, अरे एक सेकंड, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था, मंत्री का बहुत शानदार जवाब है, लेकिन मेरा इसमें व्यवस्था का प्रश्न है। इतना महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और इतना शानदार जवाब, लेकिन इस अधिकारी दीर्घा के अंदर इस विभाग का कोई सीनियर ऑफिसर मौजूद नहीं है, इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? आप बताइए कि मंत्री इतना अच्छा जवाब दे रहा है और यहाँ इंप्लीमेंट कौन करेगा? सुन ही नहीं रहे कोई। अरे आप अधिकारियों का बचाव कर रहे हो क्या? अधिकारियों का बचाव कर रहे हो क्या? आ गया माननीय, व्यवस्था की बात है, आपके और सदन की गरिमा के खिलाफ बात आ गया। ध्यान